देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू, पढ़ा क्या रहे बाबू, है ना बाबू। आपको जो सर है बाबू, उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करें, अरेंज करना बता रहे हैं ना, अरेंज करने के लिए बता रहे हैं ना, जो भी सर से दिया हो रहा है। तो उसमें दो केस था बाबू, दो केस था। पहला केस मेरा क्या था, वो फर्स्ट जो केस था बाबू, केस नंबर जो फर्स्ट था बाबू, फर्स्ट जो केस था बाबू क्या था सर, कि बाबू जो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या रहे, सेम रहे। जैसे यहाँ भी 2 है बाबू, यहाँ 6 है ना, और यहाँ बाबू मान लो 2 है, यहाँ बाबू क्या 8 है। तो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स बाबू अगर सेम है बाबू, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बोला बता देते। उसके बाद आपको हमने क्या बताया बाबू, ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम रहे सर, सेम रहे सर। जैसे मान लो यहाँ 3 बाबू, यहाँ 2 है ना बाबू, और यहाँ 2 है बाबू, और यहाँ मान लो क्या 4 है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बाबू, यहाँ मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है ना बाबू, ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है, 2 2 है सर, है ना। तो इसमें कौन सा सर्ट बड़ा होगा सर, कौन सा सर्ट बड़ा होगा, वो है ना, कौन सा बड़ा होगा। तो उसके लिए आपको क्या बताए थे, जब ऑर्डर सेम रहेगा, वो ऑर्डर सेम रहेगा, सेम रहेगा मेरे बाबू, सेम रहेगा, है ना। तो इसको क्या करो, अंदर लेके जाओ, इस सर्ट को क्या करो, अंदर लेके जाओ, है ना, अंदर लेके जाओ, है ना। तो क्या बताया था, क्या बताया था, कुछ नहीं बताया था, 3 हो गया, ये 3 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक हो। यहाँ 2 है, 2 को अंदर लेके जाओ, है ना बाबू। यस सर, उसके बाद ऑर्डर ऑफ शर्ट उसकी पावर अच्छा बता ठीक दो। है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। 2 को बाबू सर्ट्स के अंदर लेके जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अंदर लेके गए बाबू, है ना, सर्ट्स के इनसाइड लेके जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब वो जैसे ये 3 अंदर गया बाबू, तो ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ जो ऑर्डर रहेगा, जो ऑर्डर रहेगा, यहाँ ऑर्डर क्या है सर, 2 है, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। ये 2 अंदर गया ना बाबू, तो ऑर्डर क्या 2 है, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा, है ना, ठीक हो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 हो गया बाबू, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ बाबू क्या है 2 है बाबू, 2 2 जा कितना मम्मी पढ़ाई, 4 पढ़ाई, 2 के पावर 2 कितना 4 है ना पढ़ाई, हाँ सर, ये 4 है ना, 4 हो जाएगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये इसी लिख देते हैं, 2 2 जा कितना 4, अब मल्टीप्लाई 4, है ना, ठीक बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यहाँ 2 हो गया, 9 3 जा कितना 27, शांति रहो, ट्वेंटी अच्छा ठीक है, ये 4 4 जा 16, है ना, ठीक है ना बाबू। तो बाबू जब बाबू देखो यहाँ पे सर्ट्स का क्या था, ऑर्डर सेम था, कोफिशियंट 1 था, तो इसमें जो बड़का सर्ट्स होगा वह सर्ट्स क्या होगा, बड़ा होगा, 8 बड़ा है सर, जो रेडिकेंट बड़ा होगा वह सर्ट्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 8 बड़ा हो जाएगा। जब बाबू कोफिशियंट सेम नहीं रहे, कोफिशियंट यहाँ पे सेम नहीं रहे, तो उसके इसमें क्या करना, कोफिशियंट को सर्ट्स के अंदर लेके चल जाना, है ना। जब सर्ट्स के अंदर लेके जाओगे तो जो ऑर्डर रहेगा, शांति से सुनो, LKG का चीज है, अदिति वीडियो ऑन कीजिए बाबू, अदिति ऑन करो बाबू, ठीक। अब बाबू आर्यन, बाबू बैकग्राउंड हटा यार, बाबू जब इसको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओगे तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही पावर इस पे राइज कर देना, यहाँ जितना ये 2 अंदर गया तो जितना ऑर्डर, ऑर्डर क्या सर 2 है, तो पावर 2 राइज कर देना, है ना। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना, है ना। तो यहाँ बाबू क्या हो गया, यहाँ बाबू क्या हो गया, सर्ट्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ सर्ट्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, है ना बाबू। अब इस दोनों में बड़ा कौन है सर, तो 27 बड़ा है बाबू, तो कौन सा सर्ट्स बड़ा, 27 कौन बोला सर्ट्स, ये बोला, तो ये बोला सर्ट्स मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। ये केस 1 था, ये केस 1 था, केस 1 बताया था। केस 2 क्या बताया था, जब से ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम नहीं रहे, यहाँ पे 2 रह जाए सर, और यहाँ पे बाबू 3 रह जाए, है ना। तो यहाँ पे 2 रह जाए, यहाँ पे 3 रह जाए। अब आपको कहेगा कि कौन सा सर्ट बड़ा होगा, कौन सा सर्ट बड़ा होगा, ये केस 2 था, वो केस 1 था, ये केस 2 है ना। जब बाबू ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, अब इसमें LKG का चीज है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना, जो भी ऑर्डर ऑफ सर्ट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा ना, उसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम किसका ले लेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे किसका सर, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट लोग रिकैप करवा देता है ना, यहाँ 2 है बाबू, है ना, ठीक है, शांति समझना, LKG का चीज है, यहाँ 2 है सर, यहाँ 6 है ना, और यहाँ बाबू कितना है, 3 है, और यहाँ 8 है ना, ठीक बाबू। अब बाबू यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर है, तो उसको ऑर्डर को क्या करो, सेम करो, सेम करो, सेम कैसे करेंगे सर, यहाँ 6 है, तो इसको 6 बनाओ, तो इसको 6 बनाओगे तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना से मल्टीप्लाई किया सर उतना यहाँ पावर दे देना, यहाँ जितना मल्टीप्लाई किया सर वहाँ इतना पावर दे देना, है ना, ठीक हो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट है ना, शांति समझना, है ना, नेक्स्ट बाबू, ठीक। अब बाबू ये 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 के पावर 3, मम्मी क्या पढ़ाई है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, नेक्स्ट 3 2 है, तो 3 2 6 होता है, 8 के पावर 2 मतलब 8 मल्टीप्लाई 8, अब 6 6 6 मम्मी मल्टीप्लाई करके क्या पढ़ाई है, 6 6 मल्टीप्लाई करके क्या पढ़ाई है, 3 टाइम्स करोगे तो 216 आएगा, 6 36 36 6 2 16 आ जाएगा, है ना। ये सब करना आप लोग,
एट जा कितना होता है 64 होता है ना। तो अब देखो इस शर्ट का कोफिशियंट भी क्या है सर, ये वन है, यहाँ भी कोफिशियंट वन है, ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो जो अंदर में बड़का नंबर होगा, जो रेडिकेंट बड़ा होगा, वो शर्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो वाला शर्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। सत्यम वीडियो ऑन करवाओ, लगे रहिए प्रखा। तो ये वाला बड़ा है ना बाबू, ठीक। तो ये किसका करस्पॉन्डिंग है, ये वाला शर्ट है, तो ये वाला शर्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। ये वाला शर्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब बाबू अब हम लोग क्वेश्चन कुछ कुछ करेंगे, है ना। बाबू लेट से गुड इवनिंग क्यों करते हो, ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था बाबू, जब केस टू में से लाइन नहीं था, शुरू होंगे सर नहीं बाबू। सत्यम बाबू वीडियो ऑन करो, सत्यम प्रधान बाबू बैकग्राउंड रिमूव कीजिए आप लोग बाबू, बहुत नेट डाटा खत्म होता है, बैकग्राउंड रख तो आपको क्लियर भी दिखता भी नहीं है। नेक्स्ट हो सत्यम वीडियो ऑन करो, क्वेश्चन नंबर बाबू 18, अरेंज द बाबू 17। अच्छा ठीक है, तीन चार अरेंज द बाबू, अरेंज द बाबू गिवन शर्ट्स, गिवन शर्ट्स है ना, गिवन शर्ट्स, गिवन शर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। समझना, जिसको नहीं समझ में आया है वो समझ लो, असेंडिंग ऑर्डर समझना, तेरी रोना नहीं है बाबू, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे शर्ट्स में रख क्या दिया हुआ सर, कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 5 है बाबू और यहाँ पे मान लो 3 है बाबू, और तीन गो शर्ट्स दिया, यहाँ पे 19 दिया, यहाँ पे 6 दिया हुआ, यहाँ पे 3 दिया हुआ, यहाँ पे 2 दिया हुआ, ठीक। इसको जिसको नहीं समझ में आया वो शांति से सुनो, एलकेजी का चीज है, शर्म आ रहा है बताने में लेकिन हमको बताना पड़ रहा है। देखो कह रहा इस शर्ट्स है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो कैसे करना, कैसे करना है ना, तो पहले बाबू शर्ट्स का क्या करना, कोफिशियंट सेम करना, कोफिशियंट सेम, तो भले कोफिशियंट तो सेम है ही है सर, शर्ट्स का क्या करना, ऑर्डर सेम करना, क्या करना बाबू, ऑर्डर सेम करना। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, एलसीएम फिक्स आएगा, हाँ ना। जो जो शर्ट्स का ऑर्डर है, जो शर्ट्स का ऑर्डर है, ऑर्डर कौन कौन है सर, 2 है, हाँ सर, 3 है, हाँ सर, 6 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3, 6 का मम्मी एलसीएम नहीं बताए हैं, बता नहीं बताइए मम्मी, कितना आराम से बताए, एकदम फटाफट 6 हो जाएगा, ठीक बाबू। अब सारे बाबू शर्ट्स का ऑर्डर सेम करो, तो ये वाला शर्ट्स है, ये वाला शर्ट्स है ना, हाँ सर, ये वाला तो है, ये 5 है, ठीक है बाबू, यहाँ क्या है 2 है, एक शर्ट्स ये है बाबू, है ना, ये शर्ट्स 3 है बाबू, यहाँ क्या है 3 है, एक शर्ट्स क्या बाबू 6 है ना, 6 है, 6 है और 19 है ना, ठीक बाबू। अब बाबू यहाँ पे सारे का ऑर्डर डिफर डिफर है, तो ऑर्डर सेम करो, तो कैसे करेंगे, ऑर्डर एलसीएम कितना है 6 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाए, 3 से, तो जितना से मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल, ठीक है, जितना से मल्टीप्लाई करोगे बाबू उतना यहाँ पे पावर राइज करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाए, 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पावर 2 राइज करना पड़ेगा, यहाँ 6 है, यहाँ क्या बाबू 6 है, 6 है, तो 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर कि 6 बन जाए, तो 1 से सर, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 देंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सर रूट 5 सबसे बड़ा होगा, अच्छा ठीक है, 3 2 जा कितना 6, 3 2 जा 6 होगा, 5 का क्यों मतलब क्या सर, 5 तीन बार मल्टीप्लाई, ठीक हो, 3 2 जा कितना होता है सर 6 होता है, 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 दो बार मल्टीप्लाई, ये 6 हो गया और 19 हो गया, ठीक। नेक्स्ट ये 6 5 5 जब 1 12 20 ये हमारे सारे बच्चे बता दें, नेक्स्ट ये 6 हो गया 9, अच्छा ठीक है, और ये 6 हो गया, अच्छा ठीक है मोहित, ज्यादा बाबू बोले, बोलने से डिस्टर्ब होता, ठीक। अब इसमें बड़का शर्ट कौन है सर, तो जो सबसे बड़का रेडिकेंट होगा वो बड़का शर्ट होगा, ऑर्डर सेम हो गया ना, हाँ सर, ऑर्डर तो सेम हो गया, तो जो अंदर वाले बाबू है ना, जो जिसका रेडिकेंट बड़ा वो बड़ा सर, 125 बड़ा, तो ये सबसे बड़ा आपको लिखना, पहले जिसका रेडिकेंट 9 है वो आएगा, उसके बाद जिसका रेडिकेंट 19, अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर 1 2 5 वाला है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये है,
तो ये कौन सा चार्ट का, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में बाबू, असेंडिंग ऑर्डर में कहने का मतलब सबसे पहले छोटा, बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटा थ्री हो गया, नाइन से बड़ा कौन है, नाइनटीन, तो नाइनटीन से बड़ा ये वाला लिखना है, इससे बड़ा सिक्स वाला नाइनटीन, और सबसे बड़ा ये वाला, तो ये किसका, इसका, तो ये वाला हो गया, ये सब किस क्लास का, एलकेजी का, अपने फ्रेंड सबसे पूछना, नहीं बताएगा, नाइन टेन वाला रहेगा वो ना बताएगा, लिखो बाबू, जानता है नहीं वो सब, पढ़ाया नहीं जाता, yes, लिखे सत्यम शालिनी काहे सोई हो बाबू, तबियत ठीक नहीं बाबू, शालिनी पेट दर्द कर रहा आपका बाबू, मंथ में बाबू 10 दिन तबियत खराब, 10 दिन टूर और 10 दिन साइकिलिंग, यही चलते रहता है लाइफ में। चलिए बाबू, हो गया सर 30 दिन। हाँ बाबू 30 दिन हो गया पूरा महीना। कौन कौन नहीं आया, बहुत बच्चा नहीं आया बाबू। रौनक बाबू वीडियो ऑन कीजिए, रौनक, अलीसा ऑन कीजिए बाबू। सर अभी कुछ स्टूडेंट्स लेफ्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबू, सबका अच्छा काटते, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखे ना बाबू, जल्दी लिखे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझाते हैं उसके बाद एक और समझा रहे बाबू, जिसको समझ नहीं आया मन से समझ लो, हम लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे बाबू जब तक आप समझ नहीं जा, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। अदित्री कैमरा डाउन बाबू, अदित्री बाबू कैमरा डाउन, किसको किसको ही फोन करना है शैतान, सत ये है बाबू, कौन है, सियोना है, जानवी दास है, जानवी शर्मा भी नहीं है बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। सर कल मैं भी गाँव जा रहा हूँ, जल्दी लिखे बाबू, लिख लिया। कहाँ जा रहे हो जानवी शर्मा, कहाँ जा रहे हो, रनिंग जा रहे हैं बिहार से। हाँ बाबू यही तो जिंदगी है बाबू, जल्दी लिखे, यही तो जिंदगी है बाबू आपका, जितना हम काम करते जाते क्या कहीं घूमने समर वेकेशन में, जितना हम काम करते हैं उतना आप लोग करो ना, तो एक साल में सही बाबू, पूरे इंडिया में कोई भी बच्चा रहे बाबू सारे को पीछा कर दो, 8 का रहे, 9 का रहे, 10 का रहे, कोई मतलब नहीं है, सुबह 4 बजे उठिए। समझ नहीं आता हर सक्सेस के पीछे सुबह 4 बजे उठने का क्या रीजन, सुबह 4 बजे उठिए बाबू, लगे रहिए रात को 10 बजे तक, हम सोते भी तो आप ही लोग ख्याल में आते हो, आज ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना ये पढ़ाना, दिन भर तो पढ़ाते रहते हो, नेक्स्ट बाबू सोचते रहते कल क्या पढ़ाएंगे, हाँ क्या पढ़ाएंगे, कहाँ से कैंसिल, नेक्स्ट बाबू, गिवन द सर्ट्स बाबू, अप है सेंडिंग ऑर्डर, एक और समझा देते हैं, ठीक है बाबू, इस ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया सर, अच्छा ठीक है मेरा लाइक डिसेंडिंग दे देते हैं सर, दोनों दी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बाबू, यहाँ बाबू 3 है, यहाँ 2 है, ये अंदर 3 है, और ये है बाबू 3 है बाबू, और यहाँ 4 है ना, ऐसा था, सुनो शांति से, खुद से बनाओगे हल्ला करोगे, शांति सुनो, ऐसा सुनो कि आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी समझ में आता है बाबू, एगो आए उसके बाद एगो दे देंगे बनाने के लिए, उसके बाद बाबू अच्छा ठीक, देखो बाबू इसको कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो पहले क्या करना, जो ऑर्डर है उसको सेम करना, पहले क्या करना ऑर्डर को सेम करना, तो ऑर्डर को सेम हम लोग कैसे करेंगे सर, कैसे बताएं, जो है ना जो जो ऑर्डर है, 3 है सर, 2 है सर, और 3 है, 6 है ना बाबू, 3 है, 2 है, और यहाँ पे क्या बाबू 3 है ना, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 × 2 = 3 का एलसीएम हमने क्या पढ़ाई है, 6 पढ़ाई है ना, ठीक बाबू, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, एल के जी वाला काम करना है, किरान 3 है, 2 है, ठीक, ये सब तो बाबू अब सारा मारा, 3 है,
और यहाँ पे बाबू फोर है बाबू और थ्री है। ठीक ठीक सर। अब कुछ है सर इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम सिक्स के जैसा हो जाए, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पावर टू कर देंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर सिक्स बन जाए, थ्री से कर देंगे तो पावर थ्री कर देंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स हो जाएगा, दो से करेंगे तो पावर टू हो जाएगा। अब कुछ है इसमें बताओ, ये थ्री टू जा कितना हो गया सिक्स हो गया, टू टू का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाइए फोर पढ़ाइए, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, थ्री थ्री का क्यूब क्या पढ़ाइए, तीन तीन का क्यूब कितना, तीन तीन नौ तीन सत्ताईस, यही ना मम्मी पढ़ाइए थ्री है ना। हाँ बाबू थ्री टू जा कितना बाबू, रो रही है थ्री, फोर फोर का सिक्सटीन, अदित्री रो रही बाबू no. नहीं रोना बाबू, चल गई तो आ जाएगी, टेंशन नहीं, इसकी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड चल गई है बम्बई, अभी उसके मम्मी से बात करेंगे कल टाइम मिलेगा कभी तो। अरे सर इसमें क्या रोना, हम लोग हर तीन साल में जगह बदलते हैं, हमें तो कभी नहीं रोई, चाहे मैं नर्सरी में हो या बीच में। आप शैतान हो, शांत हो, हमारी अदित्री भोली है, गाय है गाय। अब इसमें बाबू देखो ऑर्डर सेम हो गया ना, ऑर्डर सेम हो गया ना, तो जो हमको क्या लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या सर, सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो सबसे बड़ा, अच्छा ठीक है सबसे बड़ा यही है ना बाबू साइड्स में। हाँ सर, तो ये सबसे बड़ा सर, तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ई वाला लिखना है ना बाबू, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर जो मेरा हो जाएगा ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो टू है और थ्री है, इसका इससे थोड़ा सा छोट का कौन है, ई बला, ये कहाँ से आया, दादी घर से आ गया, दादी घर से आ गया है ना, तो ये हो गया सबसे बड़ा, ये कहाँ से हाँ, सबसे छोट का ये वाला, तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, जल्दी से लिखो सर सही है। हाँ वो चलो ठीक है, अच्छी बात है, सारा बच्चा मेरा तेज हो गया। लक्ष्मी समझ में आता है बाबू, ए लक्ष्मी तो फेयर कंप्लीट हो गया बाबू, चलो रौनक समझ में आ रहा है, रौनक यस सर, श्रुति आ रहा है बाबू समझ में, यस सर, शैतान होमवर्क करके नहीं लाती है सर, आप बनाने के लिए दीजिए ना लिए सर, बनाने के लिए घर से देंगे बाबू सर, स्कूल के आने के बाद थका हुआ था तो हो गए थे सर। हाँ बाबू हमको भी वैसे ही करेंगे, हम भी इतना दूर से जाएंगे सर, दो चार छड़ी पीटेंगे सर, उसके बाद बोलेंगे श्रुति क्या करें बाबू सॉरी, हम भी बोल देंगे पीट के ठीक है ना, हमको भी आप ही के जैसा करने आता है ना, आप भोली हो बाबू तो हम भी भोले हैं, जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे, आप हमसे बड़े है ना सर, एक क्वेश्चन दे देते बना के लाने के लिए है ना बाबू, एक दो बार दे देते हैं अगर सर, अब शांति से सुनना, अच्छा अब शांति से सुनो, हम लोग बाबू ऐसा पढ़ेंगे ना कि मन में जो जो ख्याल आएगा था, हाय सर जो भी ऑर्डर डिफर था ना सर, कोफिशियंट तो सारा के यहाँ पे कुछ कुछ कोफिशियंट दे देगा और ऑर्डर डिफर कर देगा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, उसको भी एगो बता देते है ना, वो भी एगो बता देते हैं, दो तरीका से कर सकते हैं है ना, यहाँ बाबू यहाँ बाबू कोफिशियंट दे देगा बाबू, तो उसको हम लोग ही बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखे जल्दी से, हो गया सर कब का लिख लिया, चलो अच्छी बात है, चलो इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को है ना, कहीं ना छह आ रहा है ना, फिर टू के पावर छह करेंगे, चलो देखते हैं फिर हमेशा एलसीएम छह ही क्यों लाते हैं सर, अरे मेरे लाल बारह एलसीएम लेंगे, बारह नंबर लेंगे, बारह एलसीएम लेंगे तो अंदर में पावर ज्यादा आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने में ज्यादा आपको परेशानी होगा ना बाबू, नहीं बात समझा, मान लो बाबू एलसीएम बारह ले लेंगे, मान लो एलसीएम बारह हो जाएगा तो यहाँ सिक्स करोगे सर, नंबर ही बड़ा बड़ा लीजिए तो एलसीएम ऑर्डर भी बढ़ा दीजिए, ऑर्डर भी बढ़ा दीजिए सर, तो हाँ ऑर्डर बढ़ाएंगे बाबू तो फिर आपको फिर नंबर यहाँ पे करना, अच्छा देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ही रहेगा ना, अच्छा बाबू हम बाबू देखो आपको ये प्रोसेस बता रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना बाबू, आपको मल्टीप्लिकेशन करने तो आता है, मान लो बड़ा वाला एक होमवर्क दे देंगे बड़ा वाला, ठीक करना थकना,
देखो बाबू, अगर सर यही क्वेश्चन है बाबू, इसी को कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, सर क्वेश्चन यही है, यहाँ पे टू कर दे सर और यहाँ पे थ्री, ये बड़का ना तो यहाँ पे थ्री कर दो, यहाँ पे थ्री कर दे सर, यहाँ पे टू कर दे सर, ये कोफिशियंट में है और यहाँ भी बाबू क्या कर दे, टू कर दे, ध्यान देना मेरे लिए। सर हैंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में? ऊपर लिखा हुआ है डिसेंडिंग, है ना बाबू, ऐसे है, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पे बाबू। हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया सर, उसमें क्या था सर, कोफिशियंट सारा वन था सर, यहाँ पे कोफिशियंट बाबू है ना, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ बाबू कितना हो जाएगा, यहाँ टू है ना। अब इसको कह रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज का, संतोष सुनना, एलकेजी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑर्डर सेम करो, ठीक, ऑर्डर सेम हो जाएगा, फिर कोफिशियंट सारा जो कोफिशियंट है उसको सर्च के अंदर लेके जाओ, सर्च के अंदर लेके जाओ, ठीक, इनसाइड सर्च लेके जाओगे, और उसके बाद देखो दोनों आंख खोल के, कौन सा बड़ा है वही बड़ा होगा, मतलब आप क्या कहें सर, हमको कुछ नहीं समझ में आया, सबसे समझना, पहले हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग पहले सोल्यूशन करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, जो भी ऑर्डर है ऑर्डर का लेना, कोफिशियंट का मत लेना, ऑर्डर का लेना, ऑर्डर क्या क्या है सर, थ्री है सर, टू है सर और थ्री है, तो थ्री टू का एलसीएम कितना होगा, सिक्स होगा, ठीक ठीक सर, इतना तो आता ही है, अब शांति समझना, ठीक, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थ्री है बाबू, शांति समझना बाबू, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में थकना पड़ जाए कहीं, यहाँ थ्री बाबू, ठीक है ना, यहाँ क्या ऑर्डर, थ्री है सर, ठीक बाबू, और यहाँ क्या बाबू, टू है, समझना है ना, समझना बाबू, समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पापा जी का नौकरी चल जाएगा लिखोगे तो, लिखना नहीं है, यहाँ टू है बाबू और टू यहाँ बाहर में, समझो पहले समझो ना, लिखने का टाइम देते हैं ना, ठीक है बाबू, यहाँ कितना बाबू, ये टू बाहर में बाबू और ये थ्री है सर और ये फोर है, ठीक, हमने क्या बोला कि पहले ऑर्डर सेम करो, पहले ऑर्डर सेम करो, कैसे करोगे, कैसे करोगे, यहाँ सिक्स है तो थ्री में किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिक्स हो जाए टू से, तो जितना से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल, जितना से मल्टीप्लाई करोगे बाबू, जितना से मल्टीप्लाई करोगे है ना, जितना से मल्टीप्लाई करो बाबू उतना पावर राइज करोगे, टू से मल्टीप्लाई करो पावर टू हो गया, यहाँ सिक्स बनाना किससे मल्टीप्लाई करोगे, थ्री से, तो पावर थ्री राइज करो, यहाँ सिक्स बनाना है टू से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करोगे पावर टू राइज करोगे, है ना, शांति समझना, ठीक, तो ये क्या सर्ट्स है सर, थ्री है सर, थ्री टू जा सिक्स हो गया, और टू का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, फोर पढ़ाई है, ठीक सर, ये टू है, टू थ्री जा कितना, सिक्स हो जाएगा, थ्री का क्यूब मम्मी क्या पढ़ाई है, अभी हमने पढ़ाया 27, नेक्स्ट बाबू टू है बाबू, थ्री टू जा सिक्स हो गया और यहाँ सिक्सटीन हो गया, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, है ना, आप इसमें बताना नहीं, गलती हो जाएगा, हमने ऑर्डर सेम कर लिया, ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, कोफिशियंट को अंदर लेके जाना है सर्ट्स के अंदर, तब आप लोग डिस्कस करना, तब सही होगा, कोफिशियंट को सर्ट्स के अंदर लेके जाना, सर्ट्स के अंदर लेके जाना है ना, अब शांति से देखो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब ये कोफिशियंट अंदर जाएगा, ये कोफिशियंट अंदर जाएगा, ये कोफिशियंट अंदर जाएगा, सर्ट्स के इनसाइड जाएगा, ठीक ठीक बाबू, है ना, एलकेजी एलकेजी एलकेजी, तब फोर है सर, थ्री अंदर गया, गया सर, ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, लक्ष्मी नहीं रोना बाबू, रो काल रही बाबू, लक्ष्मी ये सिक्स हो गया, नहीं रोना बाबू, मन से पढ़ना है, ठीक, टू अंदर जाएगा तो इनसाइड जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक बाबू, शांति से समझना, ठीक, ये सिक्स है और ये सिक्सटीन है ना, टू अंदर लेके जाओ तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है बाबू, अंदर तो चल गया सर, अब कौन कौन सा डिजिट किया, यहाँ थ्री आया ना, हाँ सर यहाँ थ्री आया, तो थ्री आया तो यहाँ कितना ऑर्डर है, सिक्स है तो पावर सिक्स करना, यहाँ टू है, हाँ सर ये टू ना अंदर गया, हाँ सर पावर सिक्स है तो यहाँ ऑर्डर सिक्स है, पावर सिक्स करना, ये टू अंदर गया, ऑर्डर सिक्स है, पावर सिक्स करना, अब इसको आप लोग कैलकुलेट करना है ना बाबू, छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन ये थ्री के पावर सिक्स, मतलब थ्री को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करो, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, फाइव आई है थ्री, टू फोर्टी थ्री, हाँ आई फोर हो गया,
मल्टीप्लाई फोर हो गया, ठीक। टू के पावर सिक्स है, मतलब दो को कितना बार मल्टीप्लाई करना है सर, सिक्स टाइम्स। हाँ, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, लास्ट में कितना है सर, 27। क्या बाबू, 27 है, ठीक। टू के पावर सिक्स है तो टू को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है सर, सिक्स टाइम्स। इसमें थोड़ा सा अगर बड़ा वाला एलसीएम ले लोगे बाबू तो मल्टीप्लाई करते करते थक जाओगे, थक जाओगे। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने से ना मतलब है कि किरानी बनने से मतलब है, वो सब मल्टीप्लिकेशन किरानीगिरी का काम करता है। पहला का बहुत लंबा आंसर आया सर, टू के पावर सिक्स मतलब दो को 969। टू के पावर सिक्स मतलब दो को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 सिक्स और 16। लिखिए आप लोग, लिखिए बाबू, फिर बताते हैं। सत्यम कहानी समझ में आ रहा बाबू? प्रखर वीडियो का बंद है बाबू, प्रखर बाबू, गौरव, गौरव शैतान का बंद था बाबू, पीटेंगे इसको। जल्दी लिखिए, चिया समझ में आए बाबू, चिया? यस सर, आ गया समझ। हाँ, तो इसको तीन को छह बार मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? यस सर, ये डाउट भी क्लियर हो गया कि अगर किसी के ऊपर पावर सिक्स है, फाइव है, तो उतनी बार मल्टीप्लाई करते उस डिजिट को। कितना होगा दीत्री, बता दो बाबू, टॉपी बहुत सारे टॉपी, बहुत सारे टॉपी। थ्री को मल्टीप्लाई करोगे सिस्टम बाबू 729 हो जाएगा, 729। देखिए 2 9 1 6 7 8 3 3 9 3 7 8 81 81 3 2 43 7 29। ये 2 2 4 8 9 3 64। थ्री फोर फाइव सिक्स, अच्छा ठीक है, ठीक है, गला मत पड़िए। ये 6 हो गया और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 64 मल्टीप्लाई 16 हो गया। देखिए फिर समझा दो, ये प्रखर बाबू प्रत्युषा वीडियो, गौरव, गौरव के पापा आज फोन करते हैं सर, क्या हुआ बाबू? सौरभ, हम तो किए हुए वीडियो अपना आंसर, गौरव को बोल रहे थे। गौरव ब्लूटूथ लगा के क्यों पढ़ते बाबू? क्या सर? ब्लूटूथ लगा के क्यों पढ़ते हो बाबू? डिस्कनेक्ट कर, डिस्कनेक्ट कीजिए, शैतान ब्लूटूथ से पढ़ता है, गाना सुनेगा। चलिए बाबू, सर गाना नहीं सुनता। हाँ बाबू, कितने मासूम हमको पता नहीं, जल्दी लिखिए। समझ में आया बाबू? श्रुति सर, फिजिक्स का टाइम हो गया। अच्छा बाबू आप लोग, अच्छा ठीक है। शैतान आप लोग टाइम से आना, जो जो लेट आएगा उसका टेंशन से काट देंगे, सब हल्ला होता है। और आया था तब तो ये तो बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड वाला। हाँ बाबू, तो आपको क्वेश्चन बाबू बनाने के लिए देगा, थकाने के लिए नहीं देगा। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखे, जल्दी लिखे बाबू। 2 9 1 6 7। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो मेरे लाल। पढ़ाइए ना फोर्स वाला। अरे मेरे लाल, इसको कंप्लीट करेंगे तुम ना बाबू। सर तो नहीं पढ़ाएगा, फिर कल भी नहीं पढ़ाया था किसी। अरे नहीं शैतान, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे बाबू, ऐसे क्यों कर रहे हो कि नहीं पढ़ाए मेरे लाल। सर रुकिए सर, वही तो मेन क्वेश्चन है। तो नहीं समझ में आ रहा लिसा सर, आ रहा। इसको मल्टीप्लाई करो बाबू, मल्टीप्लाई करो बाबू, तो ये 6 हो गया, 2 9 1 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बाबू? 1 7 2 8 हो गया। कितना आएगा? 1 7 2 8 1 7 2 8। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 0 2 4 1 0 2 4 2 4।
तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब सबसे पहले सबसे बड़का ये है ना बाबू, सबसे बड़ा वाला ये है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ये, तो ये कहाँ से निकला, यहाँ से निकला ये, कहाँ से आया बाबू, यहाँ से आया मतलब बाबू थ्री है बाबू और यहाँ पे टू है, यही ना सबसे बड़ा, हाँ से। फिर बाबू इससे थोड़ा सा छोटा, तो यही थोड़ा सा छोटा है बाबू, तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, टू है और थ्री है, और अज्ञा का नंबर दे देना, तो बाबू क्या बोलते हैं उत्कर्ष, और सबसे छोटका ये है, भेज देना, तो शैतान बहुत दिन से नहीं आ रही है, लिखिए बाबू, बाबू आगे कोफिशिएंट था मेरे पास, शादी था कोफिशिएंट ये नहीं था, आगे में कोफिशिएंट था, हाँ मेरे लाल आगे में कोफिशिएंट था, मेरे लाल यहाँ कोफिशिएंट था, शादी था तो शादी अब खत्म ना हो गया, वो कभी बची रहा है, नेक्स्ट में भी टू था सर, हाँ मेरे लाल, चलो लिखो, अब थोड़ा साइंस पढ़ा देते हैं ना, शालिनी बाबू सर कितना बजे पढ़ाने आते हैं, शालिनी सर आज सुबह पढ़ा दिए थे, कल है सर, अगर जो पहले कोएफिशिएंट को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं मेरे लाल पहले अंदर ले जाओ, गलत नहीं हो जाएगा, जो ऑर्डर होगा तो वही पावर चढ़ाना, गलत नहीं होगा, इसका मतलब सर इसका दो तरीका है सब बनाने का, हाँ बाबू, तो पहले ऑर्डर वाला चढ़ाना, उसके बाद बाबू फिर दोनों पे पावर चढ़ाना है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, नेक्स्ट बाबू डी आई बाई बाबू, एक क्वेश्चन है बाबू, है ना, क्या है सर, ये बाबू 20 सर, हाँ 20 नंबर ना होगा, 20 नंबर, चलो ठीक है, ये 4 है बाबू, ये 6 है, ये 6 है, किसमें करना है सर, असेंडिंग की बता रहे हैं 245 है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सर रहने दे, ज्यादा हो जाएगा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप कहाँ दे रहे हैं भैया, दो क्वेश्चन कम से कम देंगे ना, देगा तो करता तो, यहाँ थ्री है तो यहाँ टू है, टू है, हाँ 245 है, 245 है, 12 है, 245 है, यहाँ थ्री है, यहाँ टू है, और यहाँ भी थ्री ये देते, नहीं तो रोना धोना शुरू हो जाएगा, चलो बाबू यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 21 को किस में, इसको भी इसके असेंडिंग है, इसको डिसेंडिंग में रेंज कर लो, हां आधा दिन सर मतलब मैथ पढ़ा दी तो पूरा भरपूर मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा, सर आधा बाबू शुरू कर, अरे बाबू वैसे में सबका बोरिंग था बाबू, आप लोग कैसे लाए बाबू, हम लोग एक कलर का कपड़ा नहीं पहनते हैं सर, मल्टी कलर चाहिए है ना, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, एक एक काम करने से बाबू आप लोग थक जाओगे, फ्राइडे सैटरडे कर दीजिए, वो कैसे बोलते हैं फिजिक्स और बाकी दिन मैथ्स, अरे मेरे लाल पहले वैसे ही ना था बाबू, लेकिन आप ही लोग के पेरेंट्स का डिमांड है बाबू, हम क्या करें, चलो ठीक है बाबू, यस सर, क्योंकि दो दिन के बाद फिर लगातार एक दिन बाद नहीं पता लगता था, हाँ चलो ठीक है, एक सेकंड बाबू शेयर कर देते हैं ताकि फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है हो गया सर, अब इसका और मैथ मतलब मैं